हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सिस्टम्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने बहुत सारे लेवल देखे थे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सिस्टम्स, और सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं स्केलेटन सिस्टम दो टाइप का है। पहला है एक्सियल, जिसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम इंक्लूड है। दूसरा सिस्टम अपेंडिकुलर सिस्टम है और इसमें बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। तो दोस्तों, अभी हमने स्केलेटन सिस्टम के पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें पहला है एक्सियल सिस्टम, और एक्सियल सिस्टम में है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। दूसरा जो सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें बोन्स ऑफ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब शामिल है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है माउथ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है। सेकंड पार्ट है फेरिंग्स, नेक्स्ट पार्ट है इसोफेगस, नेक्स्ट पार्ट है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। I repeat again, the parts of digestive system are mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, rectum and anus. These are the parts of digestive system. दोस्तों, हम next system की बात करते हैं, respiratory system की। respiratory system का पहला पार्ट है नोस्ट्रेल्स एंड नेजल कैविटी, नोस्ट्रेल्स एंड नेजल कैविटी। नेक्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स का हिस्सा नेजल कैविटी के सामने है, नेजोफेरिंग्स कहलाता है। देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, दीज आर द ब्रोंकस एंड लंग्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं नोस्ट्रेल्स, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसके पार्ट हैं हार्ट, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिसका पंपिंग ब्लड पंपिंग का काम है, और दूसरा पार्ट है वेसल्स, जो दो तरह के हैं, एक आर्टरी और दूसरे वेन्स। नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका काम एक्सक्रीशन है, और इसके मेन ऑर्गन्स हैं किडनी, जो दो होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। नेक्स्ट दोस्तों सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसका इंपॉर्टेंस कंटिन्यूटी टू स्पीसीज। ये दो तरह का है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। दोस्तों, जो पेनिस है वो सीमन और यूरिन दोनों की ओपनिंग है, ठीक है, वो सीमन एजुकुलेशन का भी काम करता है और यूरिन एक्सक्रीशन का भी काम करता है। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके पार्ट्स हैं वेजाइना, सर्वेक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज।
ओवरीज जो दो होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। दोस्तों ये जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट्स हैं ये बाहर से भीतर की तरफ हैं। जैसे सबसे बाहर पोर्शन वजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब और फिर ओवरीज। तो दोस्तों हमने अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं टेस्टिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करें, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। नेक्स्ट सिस्टम की दोस्तों बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम दोस्तों बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस पर सिचुएटेड होती हैं, डिफरेंट पोजीशन में पाई जाती हैं। इनमें है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज एंड पैनक्रियाज। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम। आपको पता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो नर्वस सिस्टम करता है, और इसके जो हम मेन पार्ट हैं वो हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी दो तरह का है, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों ये सारा जो सीएनएस और पीएनएस है ये बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो दोस्तों ये हमारे सारे सिस्टम्स हैं, जिनमें स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, और ये उनके पार्ट्स हैं। आशा करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे। ज्यादा अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समीर अवस्थी को बुलाऊंगा, जिससे कि मैं आपको बताऊंगा ये बॉडी में कहां कहां सिचुएटेड हैं ये पार्ट्स। देखिए दोस्तों, आप हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, और सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम में एक्सियल सिस्टम की बात करते हैं। ये एक एक्सिस पे है इसलिए इसे एक्सियल सिस्टम कहते हैं, और इसका जो पहला पार्ट है वह है स्कल। समीर बता रहे हैं आपको स्कल कहां पे है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों ये स्कल वाला पोर्शन है। दूसरा पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। दोस्तों समीर आपको बता रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये जो पोर्शन है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो पोर्शन है वो वर्टिब्रल कॉलम है। तीसरा जो पार्ट है वो है रिब्स और रिब केज। ये दोस्तों ये पूरा जो पोर्शन है आपका ये रिब केज बनाता है, ठीक है। चौथा जो पोर्शन है या नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है आपका स्टर्नम। ये स्टर्नम, ये दो कॉलर बोन है जो आपस में जुड़ी हुई है, यहां पर स्टर्नम का मैन्यूब्रियम जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा इस पोर्शन पे आपका मैन्यूब्रियम होता है, और मैन्यूब्रियम से ये स्टर्नम है। इसमें लास्ट में ये सॉफ्ट टिश्यू है जो कार्टिलेजिनियस है, और ये जिफर्ड प्रोसेस कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की आपको एक्सियल सिस्टम की, मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा, आपको बॉडी पोजीशन समझ में आई होगी, इनकी पोजीशन समझ में आएगी होगी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके शुरू होता है आपके माउथ से, जैसा समीर बता रहे हैं, ठीक है। माउथ के अंदर जो है इस पोजीशन पे आपके फेरिंग्स है, जो सॉफ्ट टिश्यू के बाद जो पोर्शन चालू होता है वो फेरिंग्स वाला पोर्शन है। इसके बाद ईसोफेगस वाला पोर्शन है ये, इसके बाद स्टमक है, जैसा समीर बता रहे हैं आपको कि स्टमक वाला पोर्शन यहां पे है, ठीक है। और इसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। दोस्तों ये जो है पोर्शन ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ठीक है। लेकिन लोग इसे अधिकतर पेट या स्टमक मानते हैं, ठीक है। दोस्तों ये पेट या स्टमक नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, यहां पे इंटेस्टाइन पोर्शन है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब दोस्तों बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी में जो पहली ओपनिंग है वो नोज की है, ठीक है दोस्तों। नोज की ओपनिंग है नेजल कैविटी और नोज, जो एक सेप्टम से अलग है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ओपनिंग है वह है नेजोफेरिंग्स, जो फेरिंग्स के नेजल के जो सामने वाला पोर्शन है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है। इसके बाद आपके पोर्शन है लैरिंग्स, जो आपके यहां पे है, ठीक है दोस्तों, ये लैरिंग्स पोर्शन है। इसके बाद जो पोर्शन चालू होता है वो है ट्रेकिया, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकस, जो आपके लंग्स में जाते हैं। और दोस्तों लंग्स, बहुत से लोगों को जो है लंग्स की पोजीशन ये बताते हैं, जब भी मैं किसी स्टूडेंट्स को पूछता हूं तो वो कहता है मेरे लंग्स की पोजीशन ये है। नहीं दोस्तों, लंग्स पोस्टीरियर में होते हैं, जैसा समीर अवस्थी आपको बता रहे हैं, लंग्स की पोजीशन ये है, क्योंकि लंग्स पोस्टीरियर में होते हैं। आप कभी भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको, आपने देखा होगा, आपको इस साइड में बैठा करके फिर लंबी लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं, तो वो एक्चुअली में कफ को चेक करते हैं या और कोई एबनॉर्मलिटी है आपके लंग्स में उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशंस देखी हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोस्तों, जब हम बात करते हैं हार्ट की, तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स का जवाब होता है वो लेफ्ट साइड होता है। दोस्तों ये जो है पूरी लेफ्ट साइड है, कई लोग यहां हार्ट की पोजीशन बताते। दोस्तों इसकी सही पोजीशन इस स्टर्नम के पोर्शन से इधर की तरफ ऑब्लिक में है, ठीक है। तो इसलिए इसकी यहां भी साउंड सुनाई देती है और यहां भी साउंड, लेकिन इसकी वास्तविक पोजीशन इस तरह से है। दोस्तों आगे बेसल्स आपके पूरी बॉडी में है, आपके हर सेल तक जो ब्लड सप्लाई करती हैं ये बेसल्स हैं, जो ब्लड कलेक्शन का और ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। दोनों आर्टरी और वेंस, दो तरह की आपके ब्लड वेसल्स हैं आपके बॉडी में। नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपके इस पोर्शन पे है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस पोर्शन पे है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, क्योंकि समीर एक मेल है इसलिए इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस जगह पे है, आपके जो अम्बिली कॉर्ड है उसके नीचे जो पोर्शन है उसके नीचे ये पोर्शन है, इसे हम कहेंगे। और इसमें टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस है। पेनिस जो सीमन इजुकुलेशन और यूरिन एक्सक्रीशन का दोनों का काम करता है, कॉमन पाथवे है। और फीमेल में वेजाइना, सर्वेक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज है। ओवरीज दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। हम दोस्तों बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। मैंने जैसा बताया एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस पे होती हैं। जैसे हम बात करते हैं पिट्यूटरी की, उसकी पोजीशन इधर की तरफ है, पी लाइक स्ट्रक्चर है और ये पोजीशन है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बात करते हैं आपके थायराइड की, तो थायराइड की पोजीशन आपके गले के पास होती है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये आपके थायराइड की पोजीशन है। एड्रिनल की पोजीशन आपके ये किडनी के पास होती है, ठीक है। एड्रिनल की पोजीशन किडनी के पास होती है, और किडनी एक्चुअली में लोग आगे की तरफ बताते हैं, लेकिन किडनी की पोजीशन, ये पोजीशन जो है वो किडनी की पोजीशन है। ये जो पोजीशन है दोस्तों ये किडनी की पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्योंकि किडनी पोस्टीरियर में होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली में आपके ये सीएनएस वाला पोर्शन और पीएनएस आपके बॉडी में सभी जगह पे एफरेंट और एफरेंट नर्व से फैला हुआ है और ये नर्वस सिस्टम बनाता है। दोस्तों आशा करता हूं जैसा समीर ने के मेरे माध्यम से मैंने आपको समझाई है इसकी पोजीशन, वो पोजीशन आपको समझ में आई होंगी। और हम आशा करते हैं आपके जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है पार्ट्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स की, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।